हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेंज टेक में। ये है पोको का X2। इसके ऊपर मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसको काफ़ी ठीक ठाक रिस्पांस मिला और उसके ऊपर कई लोगों के कमेंट थे इसके बेकार एक्सपीरियंस को लेके, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसी के रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है। ये जो फ़ोन है इसके स्पेसिफिकेशन आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 730G देखने के लिए मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस है। एक 120 हर्ट्ज़ का IPS डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है 500 निट्स। इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX686, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। सेल्फी में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। फोन की जो बॉडी है, फ्रंट एंड बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 और जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की देखने के लिए मिल जाती है। और फोन के अंदर आपको एक 27 वोल्ट का चार्जिंग, 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट है, सिंगल स्पीकर है, 3.5 mm ऑडियो जैक, सभी कुछ है। जो इसकी स्टार्टिंग लॉन्चिंग प्राइसिंग थी उस टाइम पे 664 की 17,000 रुपये थी। आज के टाइम पे भी कई 4G फ़ोन जो 17,000 के हैं वो इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन नहीं दे पाते हैं। लेकिन 2.5 साल पहले इसकी क्या कंडीशन थी, जब ये लॉन्च हुआ तब ये MIUI 11 और Android 10 के ऊपर लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि अपनी लीग का पहला फ़ोन था जो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले आपको दे रहा था इस प्राइस रेंज पे। गेमिंग इसकी बहुत अच्छी थी, कैमरा इसका बहुत ही किलर था और इसकी जो एक्सपीरियंस था वो ओवरऑल बहुत अच्छा था, ज़्यादा हीट नहीं होता था फोन। लेकिन आखिर कहानी बिगड़नी कहां से स्टार्ट हुई, जब इसके अंदर फर्स्ट टाइम MIUI 12 और Android 11 का अपडेट आया। उस अपडेट के बाद में लोगों को इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले, जैसे टच इशू, चार्जिंग इशू और इसका कैमरा डेड होने लगा, मदरबोर्ड डेड होने लगा, पूरा फोन ही खराब हो गया। तो कई लोगों के एक्सपीरियंस बेकार इस वजह से हुआ, जब वो लोग सर्विस सेंटर में गए तो उन लोगों को एक अच्छी फीडबैक नहीं मिला, उनका अच्छे से फ़ोन रिपेयर नहीं, और जिन लोगों को एक्सचेंज मिला भी तो वो यही फ़ोन नहीं बल्कि पोको F1 मिला। तो उस वजह से कंपनी बहुत क्रिटिसाइज हुई और उन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अभी भी ये फ़ोन MIUI 12.5 इन्हेंस वर्जन पे चल रहा है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसके मैं आपको कुछ कमियां बता देता हूँ। अभी भी फ़ोन के अंदर आपको टच इशू देखने के लिए मिलता है। प्लस में बहुत से लोगों का फ़ोन तो डेड हो चुका है, लेकिन जिन लोगों का फ़ोन चल रहा है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, टच इशू देखने के लिए मिल ही रहा है आपको। प्लस में चार्जिंग जो है वो बहुत ही स्लो हो गई है, पहले से कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। आप सैंपल पे स्क्रीन देख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा 2-2.5 साल पुराना अगर मेरे पास कोई फोटो इसी फ़ोन से लिया हुआ तो आपको कंपेयर करके मैं स्क्रीन पे दिखा सकूँ। चार्जिंग है वो भी बहुत स्लो हो गई है, बैटरी जो है वो भी इतना अच्छा नहीं चलती है, और अगर आप इसके कैमरे को मैक्सिमम 10 मिनट में अगर यूज़ कर लेते हो ना तो आपके फ़ोन में ओवर हीटिंग का मैसेज आ जाएगा। ये जो है ये इसकी सबसे बड़ी कमियां थी जो कि पोको अभी तक दूर नहीं कर पाया है, और आज के टाइम पे 17,000 के फ़ोन के हिसाब से बिल्कुल भी अपने आप नहीं चल पाता है, लैग वगैरह भी बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो बग्स है वो यही है, और ज़्यादा बग्स अभी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, और इसका जो जुलाई का पैच है उसके बाद में अभी तक इसके अंदर कोई अपडेट भी नहीं आई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो भाई, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, हज़ारों तरीके की दिक्कत है, लेकिन भाई जो लोग 17-18-20 हज़ार रुपये तक लगा कर इस फ़ोन को लेकर आए हैं, अब वो नया फ़ोन तो ले नहीं सकते, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन तो मेरे पास यही है कि अगर इसका कोई भी नया अपडेट आ रहा है तो आप उसे अपडेट मत करो। अगर अपडेट कर भी रहे हो तो एक महीना कम से कम वेट करो, लोगों के रिव्यूज़ देखो, कई यूट्यूब के वीडियोज़ देखो, उसके बाद आप इसे अपडेट किया करो, तब जाकर के कि आपका फ़ोन सही चल पाएगा। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि अगर आपका फ़ोन एक अच्छी कंडीशन में है और बढ़िया कंडीशन में है तो आप इसे कैशिफाई जैसी वेबसाइट पे रीसेल कर सकते हो, आराम से 10-11 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, और थोड़े बहुत पैसे ऐड करके आप कोई दूसरा फ़ोन बाय कर लीजिए, क्योंकि इसका पता नहीं है कि आगे जाकर कौन सी अपडेट इसे पूरा ही ख़त्म कर दे। मैं भी सोच रहा हूँ इसे किसी फ़ोन से एक्सचेंज करने की, अगर किसी फ़ोन पर अच्छा एक्सचेंज ऑफर आता है तो। दोस्तों, ये तो था इसका सॉल्यूशन। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो हाँ, जब फ़ोन लॉन्च हुआ तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेटर था, लेकिन जो फ़ोन की कमियां हैं वो कंपनी दूर नहीं कर पाई है, जिस वजह से इस फ़ोन के जो यूज़र हैं उनको बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि पोको ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा। अगर आप इस फ़ोन के यूज़र हो, अगर आप सेम गलतियाँ फेस कर रहे हो जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि जितना वीडियो को लाइक करते हो उतना ही मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्ट्रेंज टेक को। मैं हूँ विकास भार्गव, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।